मनुष्य अपने मन की बात किसको सुनाएंगे? परम पुरुष को ही सुनाएंगे, क्योंकि दुनिया वालों को सुनाने से क्या फायदा है? समस्या का समाधान जिनके हाथों में है उन्हें ना सुनाना है। मगर इसमें और भी एक सुविधा भी है, जो दिल की बात जानते हैं, जो दिल में रहते हैं, दिल के बसैया हैं, उनको दिल की बात क्या सुनाओगे? वो तो सुन ही रहे हैं। इसलिए आखिर तक प्राचीन काल के विद्वान लोग, भक्त लोग, ज्ञानी लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि उन्हें क्या सुनाया जाए। सबसे अच्छा तो है कि उन्हीं का कीर्तन किया जाए। क्यों न कीर्तन करने से उन्हीं का भाव, उन्हीं की भावना मन में रह जाएगी। और मन में उन्हीं की भावना रहने से होगा क्या, मनुष्य की सारी सत्ता क्रमशः उनके निकट नजदीक पहुंच जाएगी। और उससे बड़ा कल्याण जीवों का और क्या हो सकता है? और इसके साथ साथ चाहिए क्या, नम्रता भी चाहिए। क्यों? विराट के पास परमात्मा परम पुरुष है, विराट पुरुष, और सब कोई उनसे क्षुद्र है। तो क्षुद्र विराट के पास जब जाएगा उनमें तो घमंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि घमंड रहना वो तो हंसी की बात हो जाएगी। हिमालय के सामने चूहा अगर पहुंच गया तो चूहा का क्या ऊंचाई का घमंड हो सकता है? तो इसलिए कहा गया क्या, त्रिनादपि सुनिचेन करोरेव सहिष्णुना अमानीनां मानदेयं कीर्तनीय सदा हरि। घास में जितनी नम्रता है, मॉडेस्टी लाइक द ब्लेड्स ऑफ ग्रास, यू शुड डेवलप सच मॉडेस्टी। एंड तरोरी व सहिष्णुना, और तुम्हें सहिष्णुता बर्दाश्त करने की शक्ति हो, तरु अर्थात पेड़ के माफिक, पेड़ पौधा के माफिक। अमानीनम मानदेयम, जिनको और कोई इज्जत नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते, आइए बैठिए नहीं करते हैं, तुम उनको सम्मान दो। भारत में कहीं कहीं अभी तक ऐसा है कि कोई बुजुर्ग आ गए, समझे ना, तो लोग उसको बोलेंगे आइए 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 आइए, देख लो तुम लोग ठिकार से, आइए 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 आइए। और कुछ छोटे दर्जे के लोग पहुंच गए, कोई छोटे दर्जे के तो है नहीं, मगर उनके विचार के अनुसार छोटे दर्जे के हैं, तो कहेंगे आइए 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 आइए, देखोगे एक हाथ से आइए आइए आइए। और कोई अछूत अगर आ गए तो ना, ठीक नहीं हुआ, आइए 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 आइए, तो तुम लोग समझ गए बुजुर्ग के लिए। और जो थोड़ा छोटे दर्जे के, अधिक छोटे दर्जे के नहीं, तो आओ 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 आओ। अछूत अगर आ गए, आ जा आ जा आ जा, तो जिन्हें कोई इज्जत नहीं करते तुम उन्हें इज्जत देना, समझ लियो जी। आइंदे से दोगे कि नहीं दोगे? अगर ऐसा करना है तो सबके लिए ऐसा करना है, अगर ऐसा करना है तो सबके लिए करना है, और अगर ऐसा करना है तो सबके लिए करना है। तुम्हारा व्यवहार एक ही तरह का रहना चाहिए। और कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा परम पुरुष का कीर्तन करोगे। देयर मस्ट बी मैक्सिमम यूज ऑफ द फैकल्टी ऑफ कीर्तना। कीर्तन प्यूरिफाइज द माइंड,
The universal sanctity has got its best abode in kirtana vibrated human mind. Do you follow? Human mind that vibrates through kirtana is the best abode of Paramapurusha. As per mythological story, once upon a time, Narada, the great devotee of Narayana Vishnu, asked him, "What is your permanent abode, O Narayan, O my God?" He said, "Naham tisthami vaikunthe yoginam hridayena cha madbhaktaha yatra gayanti tatra tisthami Narada." My abode is not on the heavens, on the seventh layer of heaven, Vaikuntha. And I do not reside in the hearts of those jnanis, those intellectuals, because heart of intellectual is worse than the desert, or you may say as dry as desert. It is just like a drought-stricken land. There is no charm in it, those intellectual giants. Their hearts are not liked by Paramapurusha. It is dry, it is not soft, it is not green. Madbhaktaha yatra gayanti, where my devotees do kirtana, are engaged in kirtana, I reside there permanently. So kirtaniya sadhari, always be engaged in kirtana. Whenever you get some time, let that time be utilized in kirtana. Jab kahi bhi thoda sa bhi samay mil gaya, kirtan mein laga do. Kirtaniya sada hari. Kirtan kurbe kaatna hari. Hari ar hara, aki jinish. Hara mane harati bharam. Jini bhar, bojha, liability ke, bande tur bojha ami nichi. Tumi মার্কেট থেকে ফিরছ, সঙ্গে বোঝা রয়েছে, বইতে পারছ না, ঘাড় বেঁকে গেছে, কেউ যদি এসে বলে দে তোর বোঝা আমাকে দে, তুমি বাঁচলে, কিন্তু জেনে শুনে তো তুমি সে বোঝাটা দেবে না, কিন্তু যদি ত্রিশূল উঁচিয়ে তোমাকে ভয় দেখে বলে রে দিতেই হবে, তুমি ভয় ভয়ে বোঝাটা তাকে দিয়ে দিলে, তোমার বোঝার ভারটা তো চলে গেল, তুমি বেঁচে গেলে, কিন্তু খুশি মনে তো তুমি বোঝা আর কাউকে দেবে না, বিশেষ করে পরম পুরুষকে দেবে না, কিন্তু তাই তিনি ভয় দেখিয়ে ত্রিশূল দেখিয়ে বোঝাটা নিয়ে নিলেন, নিয়ে তোমাকে শান্তি দিলেন, আরাম দিলেন। তা হরতি ভারম যশ হর, এই ভার যিনি নিয়ে নিচ্ছেন তাকে সংস্কৃতে বলা হয় হর, হৃ ধাতু অচ প্রত্যয় করে হর, হর মানে যিনি ভার হরণ করেন, আর হরি হরাতি পাপান ইত্যার্থে হরি, যিনি পাপ হরণ করেন, হরণ করা মানে চুরি করা, আর জবরদস্তি জানিয়ে চুরি করাকে বলা হয় অপহরণ, অপ মাইনাস রি প্লাস লুট, অপহরণ, হরণ আর অপহরণ। যেমন গল্পে আছে না, রাবণ সীতাকে হরণ করেছিল না অপহরণ করেছিল, অপহরণ করেছিল জবরদস্তি জানিয়ে। তা কীর্তনীয় সদা হরি, হরি মানে হলো যিনি পাপ হরণ করেন। তো তুমি ভগবান যদি তোমাকে বলেন ওরে তুই তো অনেক পাপ করেছিস, তো তোর পাপটা আমাকে দিয়ে দে, তখন তুমি কি বলবে যে না ভগবান পাপটা তোমাকে কেন দেব, তোমাকে ভালো মন্দ খাওয়াবো, আদর করবো, যত্ন করবো, পাপ তোমাকে কেন দেবো, আমার যা সুকৃতি তাই তোমাকে দেবো। কিন্তু পরম পুরুষ মানুষকে তো ভালোবাসেন, মানুষ তো পরম পুরুষেরই সৃষ্টি, আর মানুষকে তিনি পাপের হাত থেকে বাঁচাতে চান, তাই তিনি কি করেন, তাকে না জানিয়ে লুকিয়ে তার পাপ চুরি করেন, হরণ করেন। চুরি না করলে, লুকিয়ে না নিলে তো মানুষ দেবে না পরম পুরুষকে তার পাপ, ভালো জিনিস দেবে, পাপ তো আর দেবে না। তা যিনি পাপকে হরণ করেন তিনি হলেন হরি। কীর্তনীয় সদা হরি, ইয়ে জো হরি, ইয়ে জো পরম পুরুষ, ইয়ে জো পুরুষোত্তম, ইয়ে জো তারক ব্রহ্ম, হমেশা ইনকা কীর্তন করনা হয়। আর কীর্তন সে মনুষ্য কি সর্বাত্মক কল্যাণ, সর্বাত্মক উন্নতি হতি হয়, কেবল একক কি নহি, ইকাই কি নহি, সবো কি, দুনিয়া ভর কি। ইসলিয়ে
ताकि तुम्हारा कल्याण और तुम्हारे कल्याण के साथ दुनिया भर का कल्याण हो, इसलिए अधिक से अधिक कीर्तन करना चाहिए। समझ गए हो जी? ऐसा करोगे ना? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात।